हमने कबीर सिंह वाली मूवी में देखा कि जब लड़की की शादी होने ही वाली होती है तो कबीर सिंह क्या करते हैं, वो कुछ एक ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर लेते हैं जो कि उनकी बॉडी को 3-4 दिन तक के लिए जो है रेस्ट पे ले जाता है। सो वेरी गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेज। सो बेसिकली हम बात करेंगे डोपिंग के बारे में। सो गाइस, आपने देखा होगा जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अलग तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर लेते हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं, या तो वो कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है। अगर एक प्लेयर स्पोर्ट्स खेलने जा रहा होता है, उससे पहले वो कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बहुत तेजी से बूस्ट हो जाती है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, वो सब चीजें इलीगल मानी जाती है स्पोर्ट्स में, और जो लोग डोपिंग करते हैं उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। हो सकता है कि उनको काफी समय के लिए स्पोर्ट्स में से बैन कर दिया जाए, उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनको कभी स्पोर्ट्स आगे खेलने ही नहीं दिया जाए। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। डोपिंग का बेसिकली मतलब होता है कोई एक प्लेयर अगर ड्रग्स ले रहा है और कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस ले रहा है, ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पोर्ट्स में बैन है कि आप खेलने से पहले तो कभी ले ही नहीं सकते हैं, अगर इन दोनों में से कोई चीज हो रही है, या तो वो इंसान ड्रग्स ले रहा है या तो कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहा है जिसको बिल्कुल बैन कर रखा है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। हम इसको समराइज करते हैं। अगर एक प्लेयर स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है तो वो कोई एक ऐसा ड्रग ले रहा है या फिर वो एक ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस ले रहा है जिसको बैन कर रखा है स्पोर्ट्स में और उससे परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी हो रही है, उस चीज को हम डोपिंग बोलेंगे। एक और डेफिनेशन दे रखी है, इंटेंशनली और इनएप्रोप्रिएटली यूजिंग द प्रोहिबिटेड इलीगल सब्सटेंस बाय द प्लेयर। बेसिकली अगर कोई प्लेयर इंटेंशनली प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या इलीगल सब्सटेंस को यूज कर रहा है स्पोर्ट्स में जाने से पहले, खेलने से पहले, तो उस चीज को हम डोपिंग बोलते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पर दे रखा है कि भाई हमने चलो मान लिया एक प्लेयर है जिसने जो है चीटिंग कर ली, ड्रग्स ले लिए या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो कि बिल्कुल निषेध है, कि बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं करना है, फिर इस पे कार्रवाई कौन करेगा? तो उस पे एक ऑर्गेनाइजेशन कार्रवाई करती है जिसका नाम है वड़ा। यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू भी बनता है कि डोपिंग के अगेंस्ट एक्शन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेती है, तो आपको ये नाम याद करना है। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका नाम है। आगे दे रखा है ये कंट्रोल करके मैनेज करती है मिसयूज को, यानी कि स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो, इस चीज का आश्वासन कौन देती है? वड़ा देती है। उसके साथ साथ बता रखा है इसको 1999 में स्टैब्लिश करा गया था। आगे दे रखा है इट सेट्स रूल्स रेगुलेशन फॉर द प्लेयर्स। बेसिकली एक प्लेयर की क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ये सारी चीजें सेट करती है वड़ा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ आया है। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। गाइस, अब हम देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले लिखा हुआ है पोजेशन ऑफ एनी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। अगर किसी के पास पाया भी जाएगा ऐसा सब्सटेंस जो कि बैन है, वो भी गलत माना जाता है। आगे दे रखा है यूसेज ऑफ दीज सब्सटेंस स्ट्रिक्टली बैन। अगर कोई प्लेयर इस सब्सटेंस का यूज करते हुए पाया गया जिसको बैन कर रखा है स्पोर्ट्स में, तो भी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे दे रखा है इफ प्लेयर रिफ्यूज टू गिव द सैंपल ऑफ ब्लड एंड यूरिन। देखो, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले जो है पूरी बॉडी चेकअप होता है प्लेयर का, और अगर कोई प्लेयर जो है वो मना करता है कि भाई मैं अपना सैंपल नहीं दे रहा, मैं अपना ब्लड नहीं दूंगा, मैं अपना यूरिन टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो फिर उसको आगे स्पोर्ट्स में परस्यू नहीं करने दिया जाता है और ये माना जाता है कि डेफिनेटली उसने कोई इलीगल एक्टिविटी करी हुई होगी जिसकी वजह से वो अपने सैंपल देने के लिए रिफ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोर कलेक्ट एनी काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। अगर किसी प्लेयर के पास ऐसा सब्सटेंस है भी, उसने स्टोर कर रखा है या उसकी पॉकेट में मिल जाता है, तो वो भी जो है इलीगल होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है कि उसके पास ये सब्सटेंस आया कहां से, उसको पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। आगे दे रखा है मोटिवेट इंस्ट्रक्ट अदर प्लेयर्स फॉर दी इनटेक ऑफ दी सब्सटेंसेस। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लेयर को मोटिवेट करते हैं कि भाई तू भी अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, ये ड्रग्स ले ले और ये जो है आप चीजें करके, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो।
सो अगर ऐसा कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को इंस्टिगेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि तुम भी ले लो, और उसके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट हो जाती है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अपने पास कोई भी पहले यही है कि भाई आपके पास ये सब्सटेंसेस होने ही नहीं चाहिए, आपने यूज नहीं करना है। थर्ड, आपके पास जब भी कोई सैंपल लेने आए कि आपको अपना सैंपल देना है तो आपने दे देना है, मना नहीं करना है। थर्ड चीज ये है कि आपके पास इस तरीके के सब्सटेंसेस होने नहीं चाहिए, और आपने ध्यान भी रखना है कि आपकी पॉकेट में इंटेंशनली कोई डाल ना दे। किसी के इंस्टिगेट करने से आपने इंस्टिगेट नहीं होना है, और आपने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होना है और अपनी बॉडी पे हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर सके स्पोर्ट्स में। सो गाइस, हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग देखेंगे। डोपिंग को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस, और सेकेंड वन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है फिजिकल मेथड। इन दोनों के बारे में समझेंगे। पहली चीज हम समझ लेते हैं परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस। सो बेसिकली अगर एक प्लेयर स्पोर्ट्स में खेलने से पहले इंस्टेंट एनर्जी लेके आ रहा है, वो भी कैसे लेके आ रहा है, या तो वो ड्रग्स ले रहा है या तो वो स्टीरॉइड्स ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत तेजी से बूस्ट कर रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है उसको, उस तरीके की डोपिंग को बोला जाता है परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस। सो यहां पर दे रखा है कि प्लेयर्स टू ड्रास्टिकली एनहांस देयर परफॉर्मेंस। सो यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं स्टिमुलेंट, बीटा ब्लॉकर, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें लेके वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट जो है वो है आपका फिजिकल मेथड। इसमें दो होते हैं, एक होता है ब्लड डोपिंग और एक होता है जीन डोपिंग। सो बेसिकली ब्लड डोपिंग में क्या होता है ना, ब्लड को इंजेक्ट करा जा रहा है प्लेयर की बॉडी में, उससे क्या हो रहा है उसके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको इंस्टेंटली मिलने वाली है मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी कि उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। एंड ये भी एक तरीके की चीटिंग ही होती है। आगे देखा जीन डोपिंग, इसमें बेसिकली सेल को इंक्रीज करा जाता है, इसमें भी आपको मस्कुलर और बोन स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। तो बेटा डोपिंग जो है वो इन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। सो बेसिकली जो डोपिंग है उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज ये है एडिक्टिव इफेक्ट। सो बेसिकली हमें उनकी लत लग सकती है, अगर हम किसी भी ड्रग्स को बार बार कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उसकी लत लग सकती है, हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में नहीं हो सकती है, और हो सकता है कि हम अजीब तरीके से सोसाइटी में बिहेव करने लग जाएं। सो आपको लत लग सकती है और आपकी फैमिली या बाकी सारे लोगों को जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है उनको सफरिंग हो सकती है। आगे दे रखा है कार्डिक प्रॉब्लम। सो बेसिकली दिल की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने ज्यादा या कम इस तरीके से आपने कंज्यूम करा तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने कबीर सिंह वाली मूवी में देखा कि जब लड़की की शादी होने ही वाली होती है तो कबीर सिंह क्या करते हैं, वो कुछ एक ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर लेते हैं जो कि उनकी बॉडी को 3-4 दिन तक के लिए जो है रेस्ट पे ले जाता है। सो बेसिकली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी जो है गलत तरीके से रिएक्ट भी कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को ना ले, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीजें होती है। आगे दे रखा है डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी होना किसी भी बॉडी में बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा है अफेक्ट ऑर्गन, ये आपके सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके अफेक्ट करना शुरू कर देगा। सबसे पहले लंग्स, देन किडनी, किडनी आपको पता ही है कि वहां से फिल्ट्रेशन होता है और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। सो इस तरीके के सब्सटेंस बिल्कुल भी कंज्यूम करना सही नहीं होता है। सो नेक्स्ट ये रखा है एबनॉर्मल ग्रोथ। सो हाँ, अगर कोई इंसान बार बार इस तरीके के चीजों को यूज कर रहा है जो कि उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तरीके से हो सकती है, उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। सो किसी के भी कहने से इंस्टेंट शॉर्टकट आप ना लें और इन तरीके की चीजों को यूज ना करें, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है डोपिंग के, और आप इसको अपने प्यारे प्यारे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है और आपकी लाइफ में वैल्यू एड होती है। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।